पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अभी जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि नगर निगम नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं, तो अभी जो 11 मार्च से 17 मार्च के बीच जो हमारा एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चला था, जिसमें जो 1 जनवरी 2023 के आधार पर जो बच्चे 18 साल के हो रहे थे, कुछ छूटे लोग थे उनका नाम बढ़ाने के लिए, उसी क्रम में लालनगर भीमरी हमारा एक वार्ड है नगर निगम का, उसके बूथ हैं 217, 218, 219, 220। तो इस पर जो है बड़ी मात्रा में इस 7 दिनों के दौरान जो है वोट बढ़े, तो उसमें शिकायत आई कि यहाँ पर कुछ ऐसे वोट बढ़े हैं जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए हैं। तो मामले की तहकीकात शुरू की, उसमें 4-5 दिन समय लगा, तो जो मामला अंतिम जांच के बाद ये संज्ञान में आया कि कुछ लोग हैं, कुछ उसमें संभावित प्रत्याशी भी हैं जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसे लोग हैं, चूँकि ये रिमोट एरिया है, वहाँ पर के बाद गाँव भी लगते हैं और शहर भी लगता है, तो कुछ ऐसे लोग वहाँ पर हैं जो बिलारी के हैं, संभल के हैं, अन्य ज़िलों के हैं, वहाँ पर रह के काम करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इन लोगों ने उनसे उनके ओरिजिनल आधार कार्ड मांगे कि आपका हम वोट यहाँ पर नगर निगम में बनवाएंगे। उन लोगों ने इनको अपने ओरिजिनल आधार कार्ड दिए। इन लोगों ने क्या किया कि उस ओरिजिनल आधार कार्ड से, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं आपको दिखा दूँगा फिर से, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये रईस खान है ना, पुत्र शौकत खान, इनसे ये मेडिकल चलाते हैं वहाँ पर। हम गए जब जांच करने, इनसे पूछे कि आपने दिया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने अपना आधार कार्ड दिया था बनने के लिए, ये ओरिजिनल उन्होंने दिखाया। अब ये रईस खान शौकत खान का इन्होंने आधार कार्ड लिया, चूँकि ये संभल के रहने वाले थे, तो इनको पता था कि हम आधार कार्ड पर संभल रहेगा तो बेलो जाँच करने जाएगा, तो हो सकता वोट ना बनाए क्योंकि वो बाहर के व्यक्ति हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि उनके आधार कार्ड से उनका फोटो, उनका नाम, पिता का नाम तो सही लिया, उसके बाद इन लोगों ने उस जो फर्जी आधार कार्ड बनाया उसमें इनका पता चेंज करते हुए आज़ाद नगर धिमरी किया, जो जहाँ का वार्ड है। और यहाँ कुछ कंपनियाँ हैं जो स्कैनर बनाती, स्कैनर का मूल काम ये होता है कि आप उसको स्कैन करेंगे तो जो कोड उसमें डाले जाते हैं या जो भी चीज़ उसमें इंफॉर्मेशन होती खुल के आता है, तो वो स्कैनर इस पर लगाया जो फर्जी आधार कार्ड था, और 12 अंक का अपने से इन्होंने एक नंबर डाला। अब प्रथम दृष्टया जब आप मोबाइल के स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे जो फर्जी आधार कार्ड है, तो ये खुलेगा, उसमें जो व्यक्ति है उसका नाम, पिता का नाम, मोहल्ले का नाम आएगा, लेकिन जैसे ही आप UIDAI की साइट पर, जो संस्था, जो भारत सरकार की संस्था है जो बनाती है आधार कार्ड, जब उसकी साइट पर जाके आप वेरीफाई आधार करेंगे, तो वहाँ साफ दिखने लगा कि ये सब इनवैलिड आधार कार्ड है। तो इन लोगों ने इसी तरह से 154 लोगों का जो भी संज्ञान में आया है, 154 लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड लिए, जिसमें उन लोगों को पता ही नहीं है, बस उनसे ये कह के लिया गया था कि हम आपका वोट बनवा देंगे। उन लोगों ने अपने ओरिजिनल आधार कार्ड दिए, और इन लोगों ने क्या किया कि उन ओरिजिनल आधार कार्ड में किसी की उम्र 16 साल थी, उसको चेंज करके 22 साल किया फर्जी आधार कार्ड बना के, और किसी का मोहल्ला वहाँ का नहीं था, बाहर का व्यक्ति रहने वाला था, उसका जो है पता चेंज किया, और इस तरह से एक नया आधार कार्ड जनरेट किया नए नंबर से स्कैनर लगा करके, और उसको यहाँ डिपॉजिट भी किया, सारे आधार कार्ड की कापी हमारे पास है। तो इन संबंधित 3-4 लोग वहाँ पर चिन्हित हुए हैं, उनके खिलाफ जो है संबंधित गंभीर धाराओं में FIR के लिए अभी जो संबंधित थाना है उसको रिपोर्ट भेजा। तो पड़ नहीं, बस फर्जीवाड़ा करते थे एड्रेस में, कई जगह उम्र में, 1-2 जगह तो ऐसे मामले आए जहां ओरिजिनल आधार कार्ड ही फर्जी था, है ना। तो इसमें जो है कई प्रकार के इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। मूल रूप से इन्होंने ओरिजिनल आधार कार्ड की जो सबसे जो गंभीर वहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इन्होंने देखिए अभी पूरा एक तरह से फर्जी आधार कार्ड है, आप इसको, ये आधार कार्ड पूरा इन्होंने ओरिजिनल आधार कार्ड कोई दूसरा है, ओरिजिनल आधार कार्ड इनका जो है, अब ओरिजिनल आधार कार्ड इनका ये है, देखिए 7211490429255 के नाम से है ना, लेकिन जब इनका इन लोगों ने डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाया तो ये आधार कार्ड पर इनका पूरा ये दूसरा नंबर दिया। आप अभी फर्जीवाड़ा करने के पीछे की इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा ये थी कि फर्जी जो वोटर वहाँ के नहीं हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवा के ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में लोगों को वोट बनवाना, ताकि आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उसका लाभ लिया जा सके। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? अभी जो 3-4 लोग संज्ञान में आए हैं उनके खिलाफ जो है नामजद कार्रवाई के लिए अभी थाने को भेजा जाएगा, है ना, बाकी आगे जांच होगी जो जो उसमें और जुड़ते जाएंगे। संभावित प्रत्याशी सर क्या उसका कुछ नाम अभी आया, कुछ क्या नाम? अभी नाम उनका बता दिया जाएगा, अभी जब FIR के लिए हम थाने को भेजेंगे तो उसकी कापी उपलब्ध करा दी जाएगी, उसमें और चीज़ें चल रही हैं, अगर कुछ और नाम उसमें जुड़ते हैं तो उनको भी जोड़ा जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।